आप भी थोड़ा और मॉडर्न हो जाए ना, तो शायद वो आपको कुछ अहमियत देने लगे। तुम घर जाओ, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ और फिर अपनी चाल चलो, और ऐसी चाल चलो कि वो घूम जाए। I'm sorry. अच्छा कि आप आ गए, काफी याद किया मैंने आपको। घर छोड़ने के बाद मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि तुम और डैड मेरा बेहतरी तो चाहते, और कल सिर्फ आपकी ही फिक्र करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी और बिजनेस पे फोकस करें सीरियसली। सरम, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अब से मैं वही करूंगा जो तुम और डैड चाहते हो। बहुत अच्छी बात है, अंकल सिर्फ आपकी वजह से ही परेशान हूँ। मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, समझाया उन्होंने मुझे, इसीलिए वापस आया। हम अगर हमें किस्मत में मिलाया है तो हम मोहब्बत से भी तो रह सकते हैं। यही तो मैं चाहता हूँ। I love you. वसीम, अभी तक यही सफाई कर रहे हो, नीचे भी सफाई करनी है। इसको सीधा करो, इसको भी देखो। सलाम अलैकुम मैडम। मैडम अगर साफ उठ गए तो मैं नाश्ता लगा दूँ। नहीं नहीं, उनके लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। ये तो अच्छी बात है, इससे उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत आ जाएगी। जी, मैंने सोचा है कि मैं आज से उनके सारे काम खुद ही करूँगी। अगर आप छोटे बाबा के लिए गवर्नेंस रख लें तो अच्छा होगा। क्या मतलब? वसीम, तुम लॉन्ग की सफाई कर जाओगे। शाबाश मैडम। खुर्रम साहब जैसे लोग बाबा, मेरा मतलब है बच्चों को, बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, और वैसे भी अपर क्लास सोसाइटी में माओं के बजाय मेड्स ही बच्चों को संभालती है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ से ढूंढूंगी? ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप नेट पर ऐड दे दें, लोग खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेंगे आपको। और जो टाइम आप बाबा को देती हैं, इसके साथ साथ आप साहब को भी दें तो उनका जहन बदल जाएगा। थैंक यू, मैं पूरी कोशिश करूँगी।